और मैं पी रही हूँ चाय, आदमी कश्मीर वाली चाय पी, कश्मीरी चाय, इसलिए कश्मीरी चाय बोल रही हूँ मैं उसको, क्योंकि मैंने ये कश्मीर वाले कप में ले रखा है, कटोरी टाइप, सो ब्यूटीफुल। थोड़ी सी चीनी कम है, एंड से वाला कप मुझे इतना पसंद आ रहा है ना, फिर शाम को मैं इसमें सिवैया लेके बैठ गई थी, और इस बार मैं इस कप को लेके आई हूँ। ऐसे तीन और डिफरेंट कप है, थोड़े डिजाइन अलग है, और ये वाला इकलौता कप चढ़ा है। दिया मैंने। ओहो, ये देखिए पानी बॉईल हो गया, और इसी वजह से मेरे शौहर ये है ना, वो हमारे घर पे गीजर नहीं लगवाते हैं। फ्रेंड्स, ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली में, दिल्ली में घर घर में यहाँ पे गोंद के लड्डू बन रहे होंगे। मैं तो लेट हो गई क्योंकि आसाम में थी, और आते ही सबसे पहले मैंने गोंद के लड्डू बनाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने आटा लिया था। क्वांटिटी मैं साथ साथ मेंशन करते जा रही हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आटा लिया, और आटे में घी डाला है, और दूध डाल के उसको अच्छी तरह से मोइन किया है। मोइन करने के बाद इस तरह से हाथ से मसल मसल करके, और साथ ही फ्रेंड्स मैंने ये गोंद जो है इसको फ्राई कर लिए थे मीडियम हीट पे। ज़्यादा हाई हीट करेंगे तो ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और इस तरह से कूट लेना है, इसको बारीक कर लेना है। साथ ही मेरा आटा जो है ड्राई फ्रूट के साथ मैं इसको भून रही हूँ, कलर अच्छा आ गया है। अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने बाउल में, और ये चीनी मैंने पीस ली थी। मैं इस तरह से बनाती हूँ ड्राई वाले, एक होते हैं चाशनी बना करके बनाते हैं, गीली गीली टाइप होती है, पर मैं इस तरह से सूखी वाले डालती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रंची होता है, और यही खाने में मज़ा आता है। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ पंजीरी टाइप, और इसको अभी मैंने गोल कर लिया है। मेरे हाथ थोड़े से मैसी हो गए हैं, और ये लड्डू तैयार है। अभी देखना, बच्चे सिर्फ 2 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, और ये बहुत ही हेल्दी होता है विंटर इसको में। मैं ऐसा खा और सकती हूँ अगर इसको इस तरह कोई से? मैंने मैंने भी आपको को समझ ना, वैसा ठंड लग रही है, पता नहीं मुझे ही लग रही है, किसी और को लग रही है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी इस बार, कई सालों के बाद ना पहली बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ी इस बार। देख सकते मैं कैप पहना हुआ है, मैंने शॉल, एक जैकेट पहना है, 2-3 नमाजें पहन रखा है, फिर भी वो फ्लोर पे बैठ के खेल रहा है। और कशिश ने तो एक पतला सा पैंट पहना हुआ है, अन्ना पर पहना हुआ है, एक हुडी पहनी है, एक जैकेट पहनी है, लेकिन जैकेट भी नहीं पहन रहे थे क्योंकि वो ट्यूशन जा रही थी। तो मैंने बोला अभी मैं बाहर दिखाती हूँ आपको कितनी ठंड हो रही है, और लोग सब्जियाँ खरीद रहे हैं। ओहो, मैंने गेट खुला दिया, ये देखिए गाइस, यहाँ पे सब्जी वाले सब्जी बेच रहे। देखो फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेल्सियस में ये जो घर के मर्द होते हैं कैसे काम करने बाहर निकलते हैं। हम तो घर पे रह के ही हमें ठंड लगती है, और वो बेचारे निकलते हैं घर से काम करने के लिए, अपने परिवार का पेट पाने के लिए। बहुत ही हार्ट टचिंग हो जाता है ये मोमेंट। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब मैंने नाश्ता बनाया था अपना, और ये कप जो लेके आई थी ना, ये मेरा फेवरेट बन चुका है, और हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे, तो वो कह रहे थे कि कितने दिन का म्याद है इसका, इसकी ज़िंदगी कितने दिनों की है, कब तोड़ोगी इसको, इस तरह से मुझे वो चिढ़ाते ही रहते हैं, मैं नहीं सुनती उनकी बात। तो गाइज, अभी मैं अपना लहंगा जो कलिया लेके आई थी ना, इसके मैंने 20 कलिया लाई हूँ, पता नहीं मैंने काउंट किया नहीं, 20 ही होंगे, और काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। मैंने कशिश को इतना बोला तेरे लिए लहंगा बना देती हूँ, बहुत खूबसूरत लगेगी, लड़कियों को ही अच्छी लगती है चीज़ें, पर नहीं, उसको ये सब कांटेदार चीज़ें पसंद नहीं, तो मैं अपने लिए बना लूँगी। अभी फ्रेंड्स, हम लोग आसाम से आ चुके हैं, काफ़ी दिन भी हो गए हैं, और इस बार मैं क्या लेके, शॉपिंग तो किया ही नहीं हमने, बीमारी में सारा दिन चला गया मेरा, और सब 8-9 दिन में बीमार थी, सलाइन लग रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे, नहीं किया इस बार वीडियो बीमारी का। आप लोग भी थक गए होंगे बीमारी सुन सुन के। क्या क्या लेके आई हूँ ना, मुझे जो मिला है अभी ऊपर देखना पड़ेगा, मैंने ब्रीफ केस, तो विंटर चल रहे हैं इसीलिए मैंने इसको मैं डाल के फिर ऊपर कर दिया था, पर आप लोग को दिखाना है इसीलिए मैंने इतना मेहनत किया आप लोगों की वजह से। जो कार्टून वाले लुक को आप लोग इग्नोर कर, जहाँ है तो जहाँ है, नहीं तो ये देखो सूट का ये हाल कर रखा है मैंने। ये मेरे बहन ने मुझे दिया है, जो यहाँ पे दिल्ली में आती रहती है, तो ये इस तरह का है, ये इसका कुर्ता है, ठीक है, और इसमें ना इस तरह का लेस लगा हुआ है, समोसा लेस, जो मैं हरदम लगाती हूँ अपने सूट पे, और ये उसका शलवार है, बिल्कुल प्लेन, और सबसे मज़ेदार है ना इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सा, इसमें ना ये लगाया है, इस तरह के टेसल्स लगे हुए हैं। और भाई है ना, एक भाई ने मुझे ये दिया है, उलन वाले जो कुर्ती होते हैं ना वो दिया, मैं इसको ट्रेन में भी पहन के आई थी, आपने देखा होगा, ठीक है, और अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये मेरे छोटे वाले भाई ने दिया, और बड़े वाले भाई भी मुझे दे रहे थे, पर मैंने उससे कैश ले लिया क्योंकि, और ये जो है ये कशिश को मिला है, ये भी रिलायंस ट्रेंड्स का है, बहुत ही प्यारा सा वन पीस ड्रेस है, और ये नवाज को मिला है, भाई ने दिया था, और
एक और रेड कलर का है नवाज को मिला, तो वो मैंने धो दिया है, बाहर टंगा हुआ है, वो गीला है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। वो रेड वाला जो राज मामू दिया था, ये बड़े वाला जो भाई है उसने दिया था, और मैंने खुद के लिए एक स्पेशली एक चीज़ खरीदा है, असम का जो मान होता है मेखला चादर, मेखला चादर पहना हुआ है। ये साड़ी टाइप होती है, लेकिन दो कट की, दो टुकड़ों की ये साड़ी होती है जिसको कहते हैं, जो असम के लोग हैं ना दिल्ली में रहते वही समझ पाएंगे। ये मेखला है, मतलब स्कर्ट की तरह होता है, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो ना, फिर पहन के दिखाऊंगी। इसमें कुछ टैसल्स वगैरह भी लगाने पड़ेंगे मुझे बनाने हैं, और इसका ब्लाउज कहते हैं कि इसमें गोल्डन भी चलाएगा, गोल्डन ब्लाउज ऑलरेडी मेरे पास है। ये वाला दिल्ली में जो मेरे भाई मुझे छोड़ने आया था ना, जो मेरा कजन, उसने मुझे गिफ्ट किया है, ये मैंने दिया, ये नी तक है और अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट है। और एक मैंने ये खुद से परचेज किया है पोल्का डॉट्स वाले। तो ये थी मेरी शॉपिंग। जिंदगी में कभी तीन चीजें मत करना दोस्तों, घर वालों की मर्जी से शादी, अपने पसंद की शादी और शादी।